है। अभी अभी एक आदमी इंजोर्ड की हमको सूचना मिली है, तो टोटल 10 इंजोर्ड और 7 हमारे डेथ है। इनको जो है नियमानुसार जो है समुचित मुआवजा जो है श्रम विभाग के माध्यम से भी हम दे रहे हैं। साथ ही में जो परिजन है उनके आश्रित उनको भी चिन्हित करने का काम चल रहा है, क्योंकि कल बहुत फॉग था और इसके कारण जो है थोड़ा सा ऑपरेशन स्लो हो गया था। SDRF के जो एक्सपर्ट है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, FSL की टीम भी पुलिस अधीक्षक साहब के द्वारा जो उसमें लगाई जा रही है, ताकि टेक्निकल डिटेक्शन हो कि एग्जैक्ट रीजन क्या था इस घटना के पीछे। और इस तरीके के जितने भी ईंट भट्टाएं हैं उनकी जांच हम करने जा रहे हैं, विशेष तौर पे जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो फ्यूल क्या है, कोयला है, ग्रेडेड कोयला है, और उसके सारे मानक वो पूर्ण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी इसके जाँच का बिंदु रहेगा। साथ ही इस पर्टिकुलर घटना के लिए भी जो एक वरीय पदाधिकारियों की टीम हम गठित कर रहे हैं, ताकि एक निष्पक्ष जांच हो और पुनः ये घटना नहीं घटित हो। जिला प्रशासन की पूरी सांत्वना है जो परिजन है मृतक है उनके पूरे साथी लोग उनके लिए, और निश्चित जो है आगे से इस घटना नहीं हो इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद सर। चिमनी चालू करने से पहले जो निरीक्षण होता है खनन विभाग द्वारा, वह हुआ था या नहीं हुआ था सर? चिमनी की जो है परमिशन है दो जगह से होती है, खनन से भी है और पोल्यूशन के मानकों को भी उनको पूर्ण करना होता है जी। तो इसकी भी जांच हम कर रहे हैं। अभी हमारा मेन फोकस जो है ना रेस्क्यू और रिलीफ पे है, ट्रीटमेंट पे है। ये शाम तक जो है हमारा ऑपरेशन जैसे कंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद जो है इसमें जो है कार्रवाई करेंगे। सर इस घटना के पीछे सर कारण क्या है, कुछ पता चल पाया सर? प्रिलिमिनरी ये लग रहा है कि फ्यूल में जो ईंधन डालते हैं उसमें जो है पेट्रोल वगैरह का भी रॉकेल का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि FSL की टीम हमारी जो एक्सपर्ट टीम जो है वो जब तक इसकी जांच नहीं करेगी उसको संपुष्ट करना मुश्किल है। वो जैसे वो हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कुछ लोगों के घर यहाँ से दूर है तो श्रम कार्ड अगर नहीं है तो ये, लेकिन इसके अलावा जो बिहार सरकार जो है हमारा कामगार शिल्पकार श्रम विभाग के द्वारा जो योजना दी जाती है उसके अंतर्गत जो है मुआवजा जो उचित लोग होंगे उनको भी हम देंगे। सर जिनकी भी मौत हुई है उन लोगों की पहचान हो गई है कि वे लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ मजदूर यूपी के भी थे। हाँ यस, 3 मजदूर जो है यूपी के है ऐसी सूचना हमको भी प्राप्त हुई है। 4 लोग यहाँ के है, उसमें एक जो है स्थानीय जो है ईंट भट्टा के मालिक भी जो है, इनकी सूचना इसमें प्राप्त हुई है। धन्यवाद।